हेलो दोस्तों, आज हम टाइल वर्क के लिए सीमेंट एंड सैंड क्वांटिटी निकालेंगे। अज्यूम करते हैं एरिया 100 स्क्वायर मीटर, थिकनेस 50 mm, इसे हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.05 मीटर। मिक्स रेशियो सीमेंट सैंड का हम मान लेते हैं 1:4। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस। एरिया हमारा है 100, थिकनेस है 0.05, इनटू करते तो हमारा वॉल्यूम निकलता है 5 क्यूबिक मीटर। इसके बाद हम निकालते हैं ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर। इसका फॉर्मूला होता है ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर इक्वल टू वेट वॉल्यूम इनटू 1.33। हमारे पास वेट वॉल्यूम है, जो हमारा वॉल्यूम निकला है 5, वो हमारा वेट वॉल्यूम है। तो 5 इनटू 1.33 हमारा आंसर आता है 6.65 क्यूबिक मीटर। तो ड्राई वॉल्यूम हमारा निकल गया। अब क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर इनटू सीमेंट रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो। ड्राई वॉल्यूम है 6.65, सीमेंट रेशियो है 1 एंड सम ऑफ रेशियो है 1+4। इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा सीमेंट की क्वांटिटी निकलते हैं 1.33 क्यूबिक मीटर। डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। वेट ऑफ सीमेंट होता है 1440 इंटू 1.33, तो हमारा वेट ऑफ सीमेंट निकलता है। अब हम जानते हैं एक बैग में 50 kg सीमेंट होता है, तो नंबर ऑफ बैग्स इक्वल टू 1915.2 बाय 50, तो हमारा नंबर ऑफ बैग्स निकल जाता है और यह 38 बैग्स लगेंगे हमारे। क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा क्वांटिटी ऑफ सैंड इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इनटू 4। अब हमने क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकाल रखा है 1.33 इनटू 4, तो हमारा 5.32 क्यूबिक मीटर आता है क्वांटिटी ऑफ सैंड।